हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट अकेडमी। ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था, ये हमारा चौथा पार्ट है। और फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है। इसमें यह दिया गया है कि हमको √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 9.3 को तो रिप्रेजेंट करना आसान है, और हमको 9.3 दिया जाता है रिप्रेजेंट करने को, तो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर √5 दिया जाता है ये भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए हुए थे। √5 का या √6 ये जो भी रहता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में दिया गया है √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम लोग एक मेथड देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी वैल्यू दिया गया है पॉइंट वाला या जो भी √x के फॉर्म में है, जब x हमारा वो वैल्यू है तो रिप्रेजेंट करना है हमको इसको नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए हम ध्यान से देखते हैं। क्या करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं, और इस लाइन पे ए से एक्स डिस्टेंस तक जो अंदर में दिया गया है, रूट के अंदर में जो वैल्यू दिया गया है एक्स, उतना हम लोग इस पे लाइन ले लेते हैं, उतना यूनिट डिस्टेंस इस पे मार्क कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स ही है, ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारा एक्स हो गया। फिर क्या करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा कि ए से लेके मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट बी है, ए से बी तक हम एक्स यूनिट डिस्टेंस मार्क कर लिए। फिर क्या करते हैं कि बी के बाद 1 यूनिट और ले लेते हैं आगे, ये कितना यूनिट है 1 यूनिट। यहां तक एक्स यूनिट लिए थे, यहां पर कितना यूनिट ले लिए 1 यूनिट लिए। हम इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि हमारा जो पॉइंट है सी है, तो टोटल लेंथ एसी का कितना हो गया, एसी बराबर हो जाएगा आपको एक्स प्लस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि हमको एक मिड पॉइंट लेना है यहाँ पे, ओ जो है वो हमारा मिड पॉइंट होगा। ओ क्या होगा, मिड पॉइंट। अगर ओ मिड पॉइंट हो गया तो यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस 1/2, और यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस 1/2। हमने अभी तक क्या स्टेप किया है कि जो भी एक्स नंबर दिया था ए से बी तक एक्स यूनिट नापे, फिर यहां पे 1 यूनिट लिए, टोटल हमारे पास जो ए से सी का लेंथ हो गया एक्स प्लस 1 यूनिट हो गया, एक्स प्लस 1 यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने मिड पॉइंट लिया, मतलब कि ए और सी को डिवाइड कर दिया बीच में, तो ओ पे आ गए, जो पॉइंट है उनको हमने ओ बोला, और ओ पे हमारे एक्स प्लस, जो ओ का डिस्टेंस होगा ए से कितना होगा, एक्स प्लस 1 यूनिट, 1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट, और ओ सी का भी लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट। तो ये हमारा 2 यूनिट हो गए, 2 सेम लेंथ हो गया ए ओ बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, AO बराबर OC बराबर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट, ये हमारा पॉइंट हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे जो AO है तो AO बराबर OC बराबर, मतलब ये लेंथ और AO और OC दोनों बराबर हो गया है, और x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे O को सेंटर मान के C से सेमी सर्कल खींचेंगे, O और O को सेंटर मान के OC रेडियस का एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सेमी सर्कल तो नहीं बना, परंतु कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ओसी, तो ओसी को रेडियस मान के, ये ओसी जो है हमारा रेडियस है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, ओसी अगर रेडियस है तो ओसी ये एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट है, तो एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम रेडियस मान के हमने इसको एक सेमी सर्कल बना लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया मान लेते हैं कि ये पी है। अब आपको ये यहाँ पे देखना है कि ए बी एक्स था और ये जो पी बी आया है ये रूट एक्स है, ये हमारा मेथड हुआ। ए बी एक्स था और जो पी बी आया है वो रूट एक्स है, रूट एक्स कैसे आया है उसको अभी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा रूट एक्स हो गया। और अगला बार अगर जब हमको नंबर टाइम पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको अगला जो हमारा स्टेप होगा क्या होगा, जो हम लोग को बी मिल चुका है और बी पे रूट एक्स लेंथ मिल चुका है रूट एक्स, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट बी है इसको सेंटर मान के पी बी लेंथ का आर्क लेंगे और उसको नंबर लाइन पे कट करा देंगे, और फिर हमको रूट एक्स लेंथ मिल जाएगा। ये हमारा मेन फोकस है, यहाँ पे इसको हम ओरिजिन मान लेंगे, ये हमारा रूट एक्स लाइन मिल जाएगा। तो हम लोग ये प्रूव कर लेते हैं कि जो रूट एक्स आया है वो कैसे आया है। इसके लिए हमको जो जो चाहिए आप इसमें ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें हमको पी बी का वैल्यू फाइंड करना है और सारे का वैल्यू पता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इसमें ओबी का लेंथ पहले निकाल लेते हैं कि ओबी बराबर कितना है, तो ओबी बराबर कितना होगा, ओबी हम निकाल सकते हैं ओसी में से, अगर ओसी में से हम लोग ओसी में से बीसी घटा देंगे तो
ओसी में से बीसी घटा देंगे तो हमको ओबी मिल जाएगा। तो ओसी कितना है, ओसी हम लोग ने निकाल चुका है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और बीसी कितना है वो वन है, इसको घटाने पर कितना आएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा आगे ओबी। ओबी कितना हो गया एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अगला हम लोग देख लेते हैं इसका जो हाइपोटेनस है ओपी कितना है। ओपी कुछ नहीं, ये आर की मतलब कि रेडियस है सर्किल का, मतलब कि ओसी के बराबर है। ओपी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी और पी में हाइपोटेनस मिल चुका है, मतलब कि ओपी मिल चुका है, और साथ में बेस ओबी भी मिल चुका है। तो हमको सिर्फ निकालना किसका वैल्यू है, बीपी का। तो बीपी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं लोग, बीपी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग, ओपी का स्क्वायर कितना होगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर कितना होगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा चार, और यहाँ पे जो होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे करने पे माइनस वन प्लस टू एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा टू एक्स, यहाँ पे एक्स आ गया है फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर, यहाँ पे आ गया आपको एक्स। मतलब कि बीपी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ चुका है एक्स के बराबर आ चुका है, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर हम इसको एक्स यूनिट माने हैं तो ये रूट एक्स यूनिट हमको देगा। इस प्रकार से हम रूट 9.3 को भी नंबर 9 पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर रूट 9.3 को इजीली हम लोग नंबर 9 पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट 9.3 को नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग ने सारे स्टेप्स और प्रूफ को ध्यान से देखा था, जब इसको ध्यान से देखे थे तो हम लोग आसानी से इसको प्रूफ भी कर लेंगे या दिखा देंगे नंबर 9 पे। तो हम लोग क्या करते हैं एक नंबर 9 लेते हैं, इसमें यहाँ से a मान लेते हैं, और रूट 9.3 हमको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन पहले हम रूट के बारे में भूल जाएंगे और 9.3 पे अपना दिमाग लगाएंगे। तो a से लेके d तक एक नंबर है, यहाँ पे 9.3 यूनिट ले लिए, ठीक है। इसके बाद b से c तक जाएंगे, b से ज्यादा बड़ा हो गया है, छोटा इसको कर लेते हैं, कंपेरिजन सेम रहना चाहिए। तो ये 9.3 है और bc 1 यूनिट ले लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसके बीच में आ जाते हैं, बीच में कैसे आएंगे तो 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से जो भी वैल्यू आएगा उतना हम डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और उसको मान लेते हैं हमारा सेंटर है O, और फिर O से C तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको ऐसे लेके हम लोग यहाँ से आर्क लेंगे OC को रेडियस मान के, और इस आर्क से सेमी सर्कल बना लेंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग B से इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये जो हमको मिला है डिस्टेंस ये हमारा रूट 9.3। अगला बार हम लोग क्या करेंगे कि B को ओरिजिन मानेंगे, B को क्या मान लेंगे ओरिजिन, इसको यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अलग बना देते हैं हम B को ओरिजिन मान लेंगे। B बराबर ये ओरिजिन है, यहाँ पे लिख देते हैं O, B ओरिजिन है अपना, ये नंबर लाइन का ओरिजिन होता है ना वही है ये ओरिजिन, और फिर ऊपर में तो रूट 9.3 तो है ही, तो फिर ओरिजिन से ये जो या P पॉइंट दे देते हैं, P OP रेडियस लेकर के इसको नंबर लाइन पे कट करा देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस मिल जाएगा फिर से हमको क्या मिल जाएगा रूट 9.3, और हमारा जो डिजायर्ड नंबर था मान लेते हैं Q, वो रूट Q, इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो Q है, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, B को ओरिजिन मान के इसको डायरेक्टली यहाँ पे कट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली बुक में किया जाता है, इसी को ओरिजिन मान के यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पे वैसे कट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्यू पॉइंट मिल जाता है जो कोई रूट 9.3 को दिखाता है, और इसको दिखाने के लिए बी ओरिजिन का काम करता है, न कि फिर से हम इसको ओरिजिन मान लेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना है कि जब ये रूट 9.3 को दिखा रहा है तो बी जीरो को दिखा रहा है और सी वन को दिखा रहा है, क्योंकि बी से हमने वन डिस्टेंस वन यूनिट लिया था ना, तो बी से वन यूनिट लिए थे, हमारा नंबर लाइन का ओरिजिन कहाँ पे है बी पे है, जबकि हम शुरू यहाँ से ओरिजिन पे किए थे, तो ओरिजिन के शिफ्टिंग को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, दिमाग में गलत ओरिजिन नहीं सेट करना है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है कि फ्रैक्शंस दिए गए हैं, फ्रैक्शन आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है, वो क्या होता है ऊपर में न्यूमरेटर होता है, ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे में होता है डिनोमिनेटर। तो हमको जो है करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को,
मतलब कि आपको देख रहे दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में चार जो क्वेश्चन दिया गया है, 1/√7, 1/√7 माइनस रूट सिक्स, 1/√5 प्लस रूट टू, 1/√7 माइनस टू। ये जो चारों क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि चारों का डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ये कैसा नंबर है, कैसा नंबर है चारों का, चारों डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है। तो जब चारों का डिनोमिनेटर ही रेशनल नंबर है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, मतलब कि हमको डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर में नहीं रखना है, रेशनल नंबर में कर देना है। न्यूमिनेटर में इरेशनल रहेगा रेशनल रहेगा उससे मेरे को फर्क बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। हम केवल क्या करेंगे, हमारा ये मतलब कि इंश्योर करना होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाना चाहिए। हम लोग एक दो एग्जाम्पल इसमें करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 1/√7 माइनस रूट सिक्स दिया गया है। क्या दिया गया है इसे लिख लेते हैं, 1/√7 माइनस रूट सिक्स है, इसको हमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी हमने पहले ही बताया था, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए ध्यान से, रूट सेवन माइनस रूट सिक्स है तो हम ऊपर नीचे इसके कंजुगेट कर लीजिए, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखा गया यहाँ पे, सेवन है, रूट सेवन प्लस सिक्स, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स से फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, बराबर में क्या आएगा, ऊपर में तो कुछ नहीं होगा, वो तो वैसे ही आ जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, लेकिन नीचे में बहुत कुछ हो जाएगा, रूट सेवन का होल स्क्वायर और माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर ऊपर में फिर से कुछ नहीं होगा, कुछ करने के लिए है ही नहीं, लेकिन नीचे में क्या होगा, रूट सेवन का होल स्क्वायर सेवन हो जाएगा और माइनस रूट सिक्स का होल स्क्वायर सिक्स हो जाएगा, और सेवन माइनस सिक्स वन। डिनोमिनेटर हैज बीन रेशनलाइज्ड, डिनोमिनेटर क्या हो गया है, रेशनलाइज हो गया है, वन है ना, रेशनल नंबर है, लेकिन रूट सेवन प्लस रूट सिक्स क्या है, इरेशनल नंबर है। बस मेरा यही काम था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा देख लें, ये तो सेम ही है, बस इसमें प्लस है तो आप माइनस से कर लीजिएगा फिर से आ जाएगा। एक इसमें देख लेते हैं, ये भी वैसा ही है, सेम इसी जैसा करना है, फिर भी इसको हम कर देते हैं, 1/√7 माइनस टू दिया गया है, 1/√7 माइनस टू। आपको पता है ये भी इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि पहले ये बताए थे कि इरेशनल और रेशनल का सम या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। फिर से हम इसको √7 प्लस टू और यहाँ पर भी √7 प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, √7 प्लस टू रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे इसी फॉर्मूला से, फिर से इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है एकदम रेशनलाइज करने के लिए, हर समय 99% केस में यही फॉर्मूला यूज होगा रेशनलाइज करने के लिए, हमको उसी को ध्यान में रखना है। तो रूट सेवन माइनस टू है और रूट सेवन प्लस टू है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट सेवन का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, रूट सेवन प्लस रूट टू और रूट सेवन का होल स्क्वायर सेवन माइनस टू फोर, तो यहाँ पे आएगा आपको रूट सेवन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, फिर से ये रेशनलाइज हो गया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो चुका है। थैंक यू, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को देखेंगे।